वही हौसला, एक बार फिर वही चाहत, उसी के साथ MiG-21 भी वही और उसमें सवार अभिनंदन भी वही। एक बार फिर से अभिनंदन तैयार है MiG-21 के साथ आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए और दुश्मन देश के मंसूबे नेस्तनाबूद करने के लिए। जी हां, हिंदुस्तान के सबसे बड़े हीरो के शौर्य की उड़ान आपने देखी, जिसे देख आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा, लेकिन पाकिस्तान इस शौर्य की उड़ान से दहशत में है क्योंकि एक बार फिर अभिनंदन लौट आया है। जी हां, आज विंग कमांडर वर्धमान अभिनंदन ने एयरफोर्स चीफ BS धनोआ के साथ MiG-21 में उड़ान भरी। पठानकोट एयरबेस पर आज की चहल पहल देखकर पाकिस्तान की टेंशन भी जरूर बढ़ गई होगी। ये रिपोर्ट देखिए। एक सौ 86 दिन बाद फिर MiG-21 में अभिनंदन। ये बहुत ही अहम तस्वीर है, ये बहुत ही शानदार तस्वीर है। ये तस्वीर दुनिया को बता रही है कि हिंदुस्तान की पहचान वीरता के लिए क्यों होती है, क्यों हिंदुस्तान की रगों में शौर्य लहू की तरह दौड़ता है। अभिनंदन की इस उड़ान को देखकर याद आती है 27 फरवरी, क्योंकि भारतीय सीमा में घुस आए पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को अभिनंदन ने पहले दौड़ाया था और फिर पाकिस्तान के लड़ाकू जहाज F-16 को मार गिराया था। वायुसेना प्रमुख BS धनोआ खुद अभिनंदन के साथ उड़ान में मौजूद रहे। धनोआ भी MiG-21 के पायलट रह चुके हैं। BS धनोआ ने 1999 के कारगिल युद्ध में MiG-21 उड़ाए थे। तब धनोआ 17वीं स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर थे। 30 सितंबर को रिटायर होने से पहले वायुसेना प्रमुख की ये आखिरी फ्लाइट हो सकती है। लड़ाकू विमान ने एयरबेस से 11:30 बजे टेक ऑफ किया और 30 मिनट की उड़ान के बाद विमान एयरबेस पर लौटा। वायुसेना प्रमुख ने सिर्फ 6 महीने में उड़ान के लिए फिट होने पर अभिनंदन की तारीफ की। Both of us have two things in common. One is both of us ejected. I also ejected in 88. It took me 9 months to get my category back. He's been back in less than 6 months, so that's very good for him. Wing Commander Abhinandan ने एक बार फिर अपने पसंदीदा एयरक्राफ्ट MiG-21 से उड़ान भरी। साथ में थे भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल BS धनोआ। दिलचस्प बात यह है कि एयर चीफ मार्शल धनोआ की ये आखिरी फ्लाइट थी, क्योंकि 30 सितंबर को वो रिटायर होने वाले हैं। याद कीजिए, MiG-21 बायसन से पीछा करते हुए अभिनंदन LOC पार कर गए थे और वहां दुश्मन के इलाके में जैसा पराक्रम और साहस उन्होंने दिखाया था, उस पर हर हिंदुस्तानी को सदा गर्व रहेगा। दुश्मन देश में दुश्मन की फौज के सामने ये कहने का साहस दिखाया था कि I am not supposed to tell you this. प्रधानमंत्री मोदी ने भी विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी के बाद कुछ इस अंदाज में उनके शौर्य का जिक्र किया था। इस देश की ताकत है, डिक्शनरी के शब्दों के अर्थ बदल देता है। कभी अभिनंदन का अंग्रेजी होता था कॉन्ग्रेचुलेशन, और अब अभिनंदन का अर्थ बदल जाएगा। ये ताकत इस देश में है, आइए उस आत्मविश्वास को लेकर के चले। एक पराक्रमी राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना है। स्वतंत्रता दिवस पर वीर चक्र से सम्मानित किए गए अभिनंदन का साहस और वीरता की दास्तान आने वाली कई पीढ़ियों को एक वायु सैनिक बनने के लिए प्रेरित करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee Media।